हेलो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय स्पेस दिवाली का वक्त है और ये सही टाइम है डीप क्लीनिंग करने का राइट right? बट क्योंकि मेरा घर ज़्यादातर ऑन अ डेली बेसिस सफ़ाई रखती ही हूँ एंड वी हैव रिसेंटली मूव्ड हियर इसलिए ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की मेरे घर में ज़रूरत नहीं थी हाँ थोड़े बहुत चादर बदले कारपेट सफ़ाई की बेड को सफ़ाई करी डस्टिंग uh, की ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी थी तो मैं वो सब कर रही हूँ एंड देन वी विल स्ट्रेट जंप ऑन टू द होम टूर वीडियो यस आज हम करेंगे दिवाली की सफाई एंड होम टूर तो ये मैं डायसन uh, पूरे बेड पे पिलो पे सब जगह पे फिलहाल घुमा रही हूँ uh, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी अगर डस्ट यहाँ वहाँ हो स्पेशली सिम्बा के हेयर जस्ट टू अवॉइड एनी थिंग लाइक दैट मैं ऑटोमिन बेड बेड के साइज में सब जगह पे डाइसन घुमा रही हूँ ये होने के बाद हमने मिलकर बेड शीट एंड डुवे कवर्स चेंज किए ये दो लोगों का काम है नॉट वन पर्सन कैन डू इट और क्योंकि ये दिवाली स्पेशल टाइम है तो थोड़ा तो ट्रेडिशनल बनता ही है ना तो ये बेड शीट मैं ले आई थी आ, दो साल पहले जयपुर से एंड अनडाउटली बॉम्बे में तो उसकी इतनी कदर नहीं थी यहाँ आकर पता चला ये कितना वॉम होता है ज़्यादातर हम अभी तलक नवंबर का महीना चल रहा है और अभी तलक हमने बिल्कुल भी हीटर स्टार्ट नहीं करा है थैंक्स टू लॉट ऑफ बेड शीट्स बैक फ्रॉम इंडिया हमने ना आज का काम थोड़ा डिवाइड कर लिया है लिविंग रूम आफ्ताब देख रहा है बेडरूम मैं देख रही हूँ ऑफकोर्स डाइसन में घुमा रही हूँ बट बाकी बहुत सी चीजें वो कर और ये वाला मोटा वाला डूबे है जो हम झाड़ कर नया कवर uh, चढ़ाकर यूज़ करने वाली दिस इज़ वेरी वेरी थिक और अच्छा खासा मोटा यू डोंट नीड अ हीटर एट ऑल एटलीस्ट सात आठ डिग्री में तो बिल्कुल नहीं ये सारी तैयारी हो गई है हमारी अब स्टार्ट करते हैं हमारा होम टूर कम लेट्स गो ये है हमारा एक्सटीरियर बेसिकली विंग और ये है हमारा पैटियो जो कि काफ़ी बड़ा है मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लग जाता है आ, वो हमारा मेन डोर है ये हमारा बेडरूम है मेन डोर इन द सेंस पैटियो के लिए वी हैव अनदर मेन डोर ऑफ़ कोर्स देर और यहाँ से ये कॉमन गार्डन है इस बाउंड्री के बाद तो हमने टेन फीट का ये कारपेट भी लगाया है जो कि आपको शायद छोटा लग रहा होगा बट एक्चुअली इट्स ट्वेंटी सेवन फीट बाई टेन तो हम इतना यूज़ नहीं करते और ठंडियों में तो बिल्कुल बाहर नहीं आना होता है हमने ये लड़ियाँ लगाई थी यहाँ पर दीवार पर बट क्यों अप हो गया हमने दो एक साथ डाले हैं इसलिए तो यहाँ पर जो है हमने जितने भी यहाँ डाले थे सब उड़ गए और सब एक साथ ऐसे हो गए सो यू कैन जस्ट सी दी एंड वहाँ कुछ बॉक्सेस हमने ऐसी बाउंड्री के लिए डाला है बिकॉज देर आर नो प्लांट्स देर दैट इज सिम्बा समर खत्म हो चुका है और ठंडियाँ चालू हो गई है तो बाहर तो हम बिल्कुल नहीं आते तो फिर जो पैटियों के सीटिंग्स हैं या कुछ भी हम टेबल चेयर कुछ भी लगा दें तो वो वेस्ट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट हम इस साल नहीं हम नेक्स्ट ईयर करेंगे इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं तो अब हम आ गए हैं लॉबी में लिफ्ट से जस्ट निकल के राइट में हमारा अपार्टमेंट है जो कि एकदम दिवाली रेडी हो चुका है हर साल बॉम्बे में ना मैं बहुत बड़े बड़े रंगोली बनाती थी बट यहाँ आकर वो सब मैंने छोड़ दिया है और हम लिमिटेड चीज़ों में खुश रहना सीख गए हैं तो डोर से एंटर करते ही ना देर इज़ अ हॉलवे यहाँ पर हॉलवे या तो लंबा पतला होता है या बहुत कम घरों में ऐसा मिलता है जैसा कि हमारा है इट्स अ स्क्वेर हॉलवे अगर आप देखो ये हमारा की स्टैंड है एनी वेज ये हॉलवे है थोड़े बहुत डेकोरेशन मैंने कर लिए ये सिम्बा का हाउस है जहाँ वो लेटर करता है पॉटी करता है बेसिकली उसका वॉशरूम है थोड़ा यार उसका भी बनता है ना प्राइवेसी ठीक <laughs> है ये है याली बापा मेरे हस्बैंड के गॉड या जो भी आप कह लो वी आर आई एम अ हिंदू एंड ही इज माई अ गुड मिक्स एनीवेज अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये हॉलवे में से चार डोर दिखेंगे आपको वो है बेडरूम ये है हॉल एंड किचन ये वाला स्टोर रूम है थोड़ा बड़ा डोर है एंड ये राइट में जो है ये बाथरूम है सो बाथरूम बेडरूम हॉल एंड स्टोर रूम अब हम शुरू करते हैं बाथरूम से तो एंट्री करते ही ये पाउडर रूम वॉशरूम बाथरूम आप जो भी कह लो ये है फॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा है ये टब है यहाँ पर टब के अंदर ही नहाया जाता है दिस इज़ द इंग्लिश वे ऑफ हैविंग बाथ और ये जो नीचे का द अदर साइड है दैट इज बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं होता है आप पानी नहीं डाल सकते ड्रेनेज नहीं है ये सब टॉयलेट पेपर का मैंने रखा हुआ है नीचे थोड़े बॉस बास्केट्स रखे हुए हैं ये वॉशरूम है हाँ जी जेट स्प्रे नहीं है सॉरी एंड ये हमारा छोटा सा कबर्ड है ये मेरा मेकअप है ऊपर नॉर्मल यूज़ के लिए उसके बाद आफ्ताब के चीज़ें हैं एंड देन टावल्स एंड वगैरह वगैरह तो फॉर्चुनेटली बाथरूम की चीज़ें हम बाथरूम में ही स्टोर कर पाए हैं स्टोरेज अच्छी है ये है एक टावल रेल बेसिकली uh, ये गर्मी हो गर्म हो जाता है बाहर एक uh, स्विच है आप वो शुरू कर लो तो ये पूरा गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ ठंड इतनी होती है ना ये सब चीज़ों की बहुत अहमियत है uh, ये है ओवरऑल वहाँ मेरा वेंग स्केल है और ऊपर एक छोटा सा इसको मैं फ्रेम में लगाऊंगी बट अभी नहीं अब चलिए बाहर आते हैं वापस यहाँ सिम्बा जी बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है <laughs> अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टोरेज रूम ये क्विकली दिखाऊंगी ज़्यादा कुछ नहीं है वॉशिंग मशीन डाइसिन वाईफाई हमारा बॉयलर जो होता है मेन यहाँ का सूट केसेस एयर ऐसी सब चीज़ें हैं तो ये बाहर सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ ये स्टोरेज में ही रखा जाता है आ, ये है हमारा एक छोटा सा आ, ओ वे वहाँ एक छोटी सी स्टूल है वो मैंने रखी है ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी ऊपर से वीडियो ले सकूँ तो इग्नोर दिस टूल ये है हमारा छोटे सा प्यारा सा दिया फ्लावर्स से बना हुआ अब हम दिखाते हैं बेडरूम बेडरूम में घुसते ही ये है सिंपल एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड वेरी वेरी सिंपल रखती हूँ मैं सिर्फ दिवाली है इसलिए चेस्ट ऑफ ड्रॉ के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ रखा है बट ये हमारा बेड है ऑटोमिन है चेस्ट ऑफ ड्रॉ है और वॉड्रॉप है वॉड्रॉप के पास में ही आ, मैंने एक मूजी का बॉक्सेज uh, रखा है लाइक अ चेस्ट ऑफ ड्रॉ लेकिन फाइबर का ये बहुत बड़े बड़े बॉक्सेज है आप सिंगल सिंगल बॉक्सेज ले सकते हो और मैंने उसके सामने कवर भी रख डाल दिया है ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर के ऊपर बस आपको दिखाने के लिए एक्चुअली आपको नहीं दिवाली का वक्त है इसलिए थोड़ा अच्छा रखा है ये हमारे वेडिंग के टाइम का है चार साल पहले का एक फ्रेंड ने बनाया था कैरी कैचर आर्टिस्ट यही कपड़ों में हम यही हमारे रिसेप्शन के कपड़े थे सो दैट्स वट दिस इज आफ्ताब साइड ऑफ द बेड और ये उसकी फैमिली का फोटो है जो कि मैंने वुड पे किया है एंड हाई दैट्स मी ये है वो मूजी वाले बॉक्स जो मैं आपको कह रही थी इट्स लाइक अ ड्रॉर एंड मैंने इसके सामने एक ब्राउन पेपर रख दिया ताकि कपड़े ना दिखे ये है हमारा वॉर्ड्रॉप एंड नॉन लेट जम्प टू दर साइड ऑफ द बेड ये चेस्ट ऑफ ड्रॉ है उसके ऊपर थोड़े बहुत फ्रेम्स मैंने अभी अभी लगाए हैं एंड दिस इज़ माई साइड ऑफ़ द बेड विंडो के पास और ये मेरी फैमिली है सामने वाला फोटो मम्मी मेरा और मेरी बहन का है एंड दिस इज़ लास्ट ईयर दिवाली वाली फ़ोटो जहाँ पर सिम्भा भी है और मेरा डॉग उनो भी है ये मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स है ये मेरे घर की फ़ोटो है बस दैट्स इट अबाउट द बेडरूम ये एकदम सिंपल सा बेडरूम है वेरी कम्फर्टिंग अब हम वापस आते हैं हॉलवे में हमने राइट साइड वाला रूम देख लिया नाउ यहाँ है सिम्बा जो स्टोर रूम में बैठा हुआ है लेट्स इग्नोर हिम अब हम चलते हैं लिविंग रूम अब लिविंग रूम को ना यहाँ पर देर इज़ एन ओपन किचन कंसेप्ट इन यू के तो यहाँ क्या होता है सोफा के ठीक पीछे वाला वॉल जो आपको दिख रहा है वो ज़्यादातर किचन होता है बट ये घर इतना बड़ा है एंड हमने स्पेसिफिकली बड़ा किचन मांगा था तो हमको ये वाला घर मिला जो कि यू नो कोने में आ, अलग सा हो जाता है बट ऑफकोर्स देर इज़ नो बैरियर नो डोर टू द किचन विच इज़ वाई वो किचन अलग से है खैर दिस इज़ अ कंसोल टेबल ये हमारा ऊनो है छोटा सा कोस्टर जो मैं अपनी बहन से ढाप कर लाई थी <laughs> और ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है जिसको मैंने अभी लक्ष्मी पूजा करके रखा हुआ है दिस इज़ आर किचन ये मेरा छोटा सा सेटअप है और ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली यहीं से लाई हूँ वो जो छोटा सा मंदिर जैसा आपको दिख रहा है ना वो मैंने बॉम्बे स्टोर से लाया था मुझे पता था कि यहाँ मंदिर वंदिर तो होगा नहीं और मैं इतना ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करती हूँ बस ओकेजनली करती हूँ तो मुझे एक स्ट्रक्चर छोटी सी मूर्ति विद मंदिर चाहिए थी इसलिए मैंने ये बॉम्बे स्टोर से लाया दिस इज़ आवर लिविंग रूम सोफ़ा मैंने एकदम आगे कर दिया है और लिविंग स्पेस बना दिया है और पीछे का जो एरिया है हमारा डाइनिंग टेबल है और हमारा वर्क स्पेस है इससे क्या हो जाता है ना आपका बाइफरकेशन हो जाता है घर का इसलिए मुझे ये कोजी एरिया बनाना था जो कि शायद मैंने अचीव कर लिया ये हमारा टीवी है लैंप है कुछ प्लांट्स है ये एक चेयर है और दिस इज द कंसोल टेबल अब कंसोल टेबल में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी है जो कि आ, इंडिया से अब ये मिरर जो है मैंने जयपुर से लाया था कैन यू इमेजिन वो यहाँ आकर खुला है <laughs> और uh, मैं लाइटें ऑन ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ वो जो डोर है वो पैटियो पे खुलता है ये हमारी वेडिंग वाली फ़ोटो ये हमारा ऑफिस वाला सेटअप और ये हमारा किचन लिविंग रूम और इस पूरे स्पेस को ना ग्रेट रूम कहते हैं यहाँ पे इट्स आल्सो कॉल्ड एज ग्रेट रूम व्हाई ग्रेट रूम इट हैज़ द लिविंग रूम एंड योर लिविंग स्पेस एज़ वेल एज योर किचन एंड योर डाइनिंग रूम तो ये सारी चीज़ें जब खुली होती है ना तो आपका घर और बड़ा लगता है और ये दिया मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी मैंने एक यूट्यूब चैनल पे देखा था और पता नहीं कैसे मेरे आँखों में आया एक छोटी सी दुकान में मुझे मिल गई यहीं पे इज इट फनी बट यस ये थोड़ा बहुत मैंने लक्ष्मी पूजा किया है ऐसे अखंड दिया तो नहीं जलाया डर लगता है यहाँ दिया विया जलाने को बस मैंने टेबल पर थोड़ा बहुत दिए जलाए हैं यहाँ मुझे पता है आपको लोटस फ्लावर भी मिल गया कैन यू इमेजिन मोगरे का फ्लावर लोटस फ्लावर जिप्सी फ्लावर क्या कुछ नहीं मिलता यहाँ और हम खाम खा सोचते रहते हैं कि यार इंडिया से दूर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा <laughs> चलिए अब आगे बढ़ते हैं दिस इज़ माई किचन मैंने नीचे लगा तो दिए दिए लेकिन मैंने जलाए नहीं डर लग रहा था लाइक से ये स्टूल जो है ना बड़ी काम की चीज़ है मैं आइकिया से इंडिया से लाई थी अब यहाँ एक ट्रे है जहाँ सिम्बा का खाना है मतलब ब्रेकफास्ट है वहाँ पे छोटा सा जग है पानी का ये है हॉब हॉब यानी कि कुक टॉप या फिर गैस स्टोव जो भी कह लो ये कोने में है चॉपर एंड पानी गर्म करने वाला केटल ये है दो बास्केट जो मैं आइकिया लाई थी एक में अनियंस है एक में गार्लिक है एस्थेटिक भी है और फंक्शनल भी है ये मेरा मेन मोटो होता है किचन का एक छोटा सा प्लांट है टू फिल अप दिस स्पेस पीछे ग्राइंडर uh, है कुछ मग्स है ये हमारा सिंक है सिंक के बाद एरिया जो है ना मैं हमेशा खाली रखती हूँ बिकॉज़ इट्स वेरी ईजी एंड फंक्शनल यू नो और ये स्टूल के ठीक पीछे मैं खोलती नहीं हूँ पूरा बट दिस इज़ द डिश वॉशर उसके बाद सिंक एरिया है फिर है मेरा पैंट्री पैंट्री मतलब स्टोरेज जो भी खाना वाना आप पैकेट्स खोल के रखते हैं वो पैंट्री है और लेफ्ट में बॉटल्स एंड बॉक्सेस वगैरह है और ये हमारा फ्रिज है तो फ्रिज का जो डोर है आप नोटिस करो सब कुछ फ्रिज का डोर कहो या डिश वॉशर का डोर कहो सब कुछ सेम होता है यहाँ पे जो फर्नीचर होता है वो प्लान करके किया जाता है कुछ अलग नहीं दिखता अब ये जो दो ऊपर के हैं मैं आपको बताती हूँ लेकिन चिमनी है चिमनी के नीचे स्टोव या हॉब है उसके नीचे अवन है ठीक है अब उसके राइट में ड्रॉर्स है जिसमें पहला वाला एकदम फंक्शनल टूल्स चम्मच ये सब चक्कू वक्कू वही सब चीज़ें हैं उसके बाद मेरा स्पाइस है एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो मैं इंडिया से लाई थी वो स्पाइस ड्रॉ मैंने किया है इसको मैंने और अच्छे से बड़ा किया है बट वीडियो के बाद <laughs> उसके बाद नीचे जो है ये पैनज एंड पॉट्स एंड ये डेली यूज़ वाली बर्तनों का ड्रॉ रखा है मैंने नीचे अब ये ऊपर जो है ये वाला इज़ माई डेली यूज़ नमक यू नो दाल्स चावल दलिया सब कुछ इस यहाँ पर है घी नमक आ, मसाले दानी, एवरीथिंग ऑन द राइट वी हैव द ब्रेकफस्ट दैट इज़ लेफ्ट वाला फिर चिमनी हॉब ये है अवन एंड आपके राइट right वाला जो है ये वाले कैबिनेट में सब ब्रेकफस्ट आइटम्स है चाय कॉफ़ी शुगर ये जो तीन डब्बे हैं मैं एक्चुअली वेस्ट साइड से लेकर आई थी बैक इन इंडिया मैं वहीं से यूज कर रही हूँ वही वापस यहाँ पर लिया है टिन है सिंपल है क्विक है बाकी सब मूजली कॉर्न ये सब चीजें हैं वेरी वेरी बेसिक राइट एंड लेट्स कम टू दिस साइड ये ऊपर के जो कैबिनेट्स है इन सब के ऊपर जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं वो हमारा एक्स्ट्रा पैंट्री है सिंपली बहुत सारे दालों के पैकेट्स ऐसी सारी चीजें अब ये जो आपको दिख रहा है ये मेरे प्लेट्स एंड पॉट्स एंड यू नो सर्विंग बोल्स है इससे ज़्यादा मैं रखती भी नहीं हूँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार और यहाँ पर सारे डब्बे डुब्बे हैं यू नो मसाले ये वो बेसन ऐसी सारी चीज़ें एडहॉक चीज़ें आई एम sure श्योर हम सब के घर में यही होता है ये सारे डब्बे ना मैं होम सेंटर से लाई थी आई थिंक दो ढाई तीन साल पहले तो यस यू शुड अभी भी आई थिंक वहाँ पे मिलता है सेल के टाइम पे मैंने लिया था दे आर वेरी वेरी नाइस और इसके बाद वाला जो है सबसे ऊपर कैबिनेट में यहाँ पर मेडिकल बॉक्स वगैरह है उसके बाद ग्लासेस है एंड देन कप्स एंड बोल्स वगैरह है कप्स तो इतनी ज़रूरत भी नहीं ये वाला कैबिनेट ऑलमोस्ट खाली है एंड ये लास्ट वाला कैबिनेट नीचे एकदम डब्बे है स्टोरेज के लिए फ्रिज के और यहाँ पर हमारा पूजा या जो भी कर सकते हो हमारे के याली पापा और मेरे भगवान जी सब वहीं रहते हैं ऐसे अलग से मैंने कोई मंदिर नहीं लिया है इट्स ईजी फो फॉर आस टू यू नो कीप एवरीथिंग यूनिफॉर्मिटी में ये है हमारा ओवरऑल किचन आई होप आपको ये पसंद आया हो uh, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो और फंक्शनल भी हो मेरे लिए फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी ये रे लिविंग रूम मैं आपको थोड़ा सा ग्लैंस दे रही हूँ एन्जॉय दिस व्यू इस एरिया को ना मैं हमेशा खाली रखती हूँ बिकॉज मैं चलते फिरते ना बहुत गिरती रहती हूँ सो आई ऑलवेज ट्राई कि एक स्ट्रेट एरिया खाली रहे अब ये थोड़ा सा कॉफ़ी टेबल को हमने सजाया था क्योंकि ऑफकोर्स दिवाली था अदरवाइज ये थोड़ा सिंपल रहता है ये हमारा लैम्प है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गाइस सबसे ज़्यादा हम ये लाइटें वाइटें चालू नहीं रखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल आता है यार एक स्विच पे नौ या बारह लाइट्स चालू होते हैं यहाँ पर सीलिंग के सो so, ऑफकोर्स मैं अवॉइड करती हूँ दैट्स एज शादी के वक्त का और ये एक पचीरा बहुत बड़ा तीन फुट का पचीरा वाला प्लांट है वो है खाचे में आपका किचन वो है हॉलवे और उन दोनों के बीच में कंसोल टेबल कंसोल टेबल के ऊपर का जो चटाई जैसा आपको दिख रहा है ना ये ये भी मैंने इंडिया अमेजोन से मंगाया था सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल वही चीज़ आपको मेरे डाइनिंग टेबल पे भी दिखेगा ये जो केटली है ना ये मैंने जयपुर से लाई थी और वो जो पिगी बैंक जैसा टेराकोटा का पिग है ना वो पिगी बैंक मैंने कोलकाता के बारह सात वाले एक लेन से लिया था और मैं उसमें पैसे भी डालती रहती हूँ टिल डेट ये ये वॉल मेरा सबसे फेवरेट है टू बी ऑनेस्ट विथ यू पूरे घर में अब मैं ऑन ऑफ करके लाइटें बता रही हूँ ये सूखी हुई स्टिक्स है मैं कोशिश करती हूँ कि फ्लावर्स व्लावर्स ना रख के सूखी हुई स्टिक्स या येल्लो पत्ते लाल पत्ते यहाँ के उठा कर लेकर आकर डालूँ अब चलिए बाहर चलते हैं पैटियो में ये है हमारा आउटडोर थोड़ी अंधेरे हो गए हैं। समथिंग हियर। ये था मेरे घर का टूर और गाइस, गाइज आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया हो आप सबको मेरे तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली एंड uh, खूब सारा एन्जॉय कीजिए हो सके तो पटाखे थोड़े कम जलाइए क्योंकि फिर डॉग्स एंड कैट्स जो रास्तों पर होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है आई नो दैट बिकॉज आई हैव अ डॉग बैक इन इंडिया सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आई होप आपकी ये दिवाली बहुत खूब और बहुत बढ़िया जाए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ तो ये थी हमारी अलग अकेले लेकिन अच्छी वाली दिवाली ओके गाइस बिकॉज इट इज दिवाली तो हमने सोचा हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा गिफ्ट दिया जाए हमारा गिफ्ट ये रहा बी चलो फिर करें गिफ्ट की Happy Diwali, Happy ये आप Di सबके है yes. -टा इसकी आदत है यहाँ बॉक्स में बैठे रहने की कैसा लगा आउट कम आउट अब आप लोग देखिए रहा है? ओके यू एंजॉय बंद कर दो यूजलेस ओके okay, आप सबको दिवाली